सहाबा में सबसे लंबी उम्र पाई है हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु, 350 साल उनकी जिंदगी है। इतनी जिंदगी सहाबा में से किसी की भी नहीं है जितनी हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु की है। बुनियादी तौर पे ये एक मजूसी के बेटे थे और बड़े अमीर कबीर खानदान से ताल्लुक रखते थे। ये अपने बाग में जाते तो रास्ते में एक राहब का कुटिया था, तो ये गुजरते गुजरते उसके पास रुकने लगे, तो उसकी बातों में वही का उजाला था तो उसकी बातें अच्छी लगने लगी। बाप को पता चला तो उसने कहा कि हम मजूसी हैं, आग को पूछते हैं, और ये नसरानी है, तुम इसके पास ना बैठा करो, कहीं तुम्हारा दीन ना लूट ले। लेकिन ऐसी तलब जाग गई थी दिल में कि वो बाज ना आए। बाप को पता चला तो उसने घर से निकाल दिया और ये दूर जाके कहीं एक गिरजाघर में एक पादरी की खिदमत करने लगे। उसने सारी जिंदगी शफकत के साए में हजरत सलमान फारसी को रखा। नाजो नाम से पाला हुआ बेटा घर छोड़ के हक की तलाश में निकल के उसके गिरजाघर में पहुंचा था। जब उसका आखिरी वक्त आया तो उसने बुलाया और बुला के कहा कि मैं जिंदगी की सांसें पूरी कर चुका हूं, अब मेरे इंतकाल के लम्हे करीब आ गए। तूने बड़ी मेरी खिदमत की है तो मेरे बाद तू गमूरिया चले जाना, वहां का जो राहब है फलां उसका नाम है, तो उसकी जाके खिदमत करना, तुझे हक मिल जाएगा। हजरत सलमान फारसी कहते हैं कि मैं उसकी तदफीन के बाद गमूरिया चला गया और जो उसने निशानियां बताई थी उस निशानियों का राहब मुझे मिल गया। मैं एक जिंदगी गुजारी उसके पास और उसकी खिदमत करता रहा और मैं हक का मुतलाशी था। एक वक्त आया कि उसका भी आखिरी वक्त आ गया और उसने मुझे तन्हाई में बुला के कहा कि कोई ऐसा शख्स नहीं रहा जिसके पास मैं तुझे भेज सकूं, और मेरा वक्त आखिर आ गया और तूने सच्चाई के साथ हक की तलाश में मेरी खिदमत की है। मैं तुझे पते की बात बताता हूं, पल्ले बांध ले, मेरे इंतकाल के बाद तू यसरब चले जाना। नबी आखिर जमां के जहूर का वक्त करीब आ गया है और वो हिजरत करके वहां तशरीफ लाएंगे। कहते हैं मैंने उसको कहा कि कोई और शख्स भी तो दावा नबूवत कर सकता है, मैं इतनी खाक छानी है, माँ बाप का देश छोड़ा है, गली गली की खाक छानी है, तो कहीं मैं धोखा ना खा जाऊं, मुझे निशानियां बताओ। तो उसने तीन निशानियां बताई। कहा एक तो सदका कबूल नहीं करेगा, दूसरा हदिया रद्द नहीं करेगा, तीसरा दो कंधों के दरमियान मोहर नबूवत होगी। दो दिन के बाद उसका इंतकाल हो गया। कहते हैं मैं वहां से तदफीन के बाद उठा और यसरब की जानिब रवाना हुआ। रास्ते में एक काफिला था और वो यसरब ही जा रहा था, तो मैं उनके साथ शामिल हो गया कि मेरी मंजिल भी वही है। लेकिन उन्होंने मुझे अकेला समझ के पकड़ लिया और गुलाम बना लिया। लेकिन मेरी खुशकिस्मती ये कि उन्होंने मुझे बेचा जाके यसरब में, और वहाँ एक यहूदी ने मुझे खरीद लिया और अपने बाग में काम काज पर लगा लिया। मैं रोज़ाना उन हमायूं लम्हों और उन हसीन घड़ियों का मुंतजर था जिनके लिए मैंने दर दर की खाक छानी थी। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गमे आश की तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। कहा एक दिन मैं अपने बाग में खजूरें तोड़ रहा था कि हवाएं गीत गाने लगी और ताला अल बद्र अलैना की सदाएं गूंजने लगें। मैंने जल्दी से छलांग लगाई और भाग पड़ा। मेरा आका समझा शायद गुलाम भाग गया, उसने दौड़ के मुझे पकड़ लिया। मैंने उसको कहा मैं भागा नहीं हूं, ये जिस्म तेरा ही गुलाम है लेकिन दिल नौकर किसी और का है। मैं कुछ खजूरें ले गया और हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ और जाके मैंने पेश की, और मेरी नीयत सदके की थी। तो मैंने जब पेश की तो फरमाया हम नबी हैं, सदका कबूल नहीं करते। कहते एक निशानी पूरी हो गई। अब कुछ दिन डाल के मैं फिर खजूरें ली और मेरी नीयत हदिया की थी। मैं हुजूर की खिदमत में जाके पेश की तो हुजूर ने कबूल फरमाते हुए कहा हम हदिया कबूल कर लेते। कहा दो निशानियां पूरी हो गई, अब तीसरी निशानी रहती थी। अगरचे दो निशानियां ही मेरे लिए काफी थी और हुजूर का चेहरा ही मेरे लिए काफी था,
لیکن میری آرزو یہ تھی کہ میں تیسری نشانی کا بھی بچشمے خود مشاہدہ کر لوں تو پھر میں ایمان لاؤں گا۔ ایک دن حضور میرے باغ میں تشریف لے آئے، حضور نے قمیض اتاری ہوئی تھی اور اپنے مبارک کندھے کے اوپر کپڑا رکھا ہوا تھا اور مہر نبوت والی جگہ چھپی ہوئی تھی، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور میں حضور کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا۔ میری آرزو یہ تھی کہ ہوا کا کوئی تیز جھونکا آئے اور کپڑا ہٹا دے اور میں مہر نبوت کی زیارت کر لوں۔ حضور میرے ارادہ قلب سے آگاہ ہوئے، فَأَلْقَى إِلَيَّ رِدَاءَهُ، حضور نے اپنے کندھے سے چادر اتار کے میری جانب پھینکی، پھر اپنے رخ کو پھیر کے میری جانب اپنی پشت مبارک کرتے ہوئے فرمایا، انظر الى ما امرت به، اس پادری نے جو بتایا تھا دیکھ لے آ کے۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا تو حضور کے دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، تو میں دوڑ کے لپٹ گیا اور حضور کے مہر نبوت کو چوم لیا اور میں حضور کا غلام بن گیا۔ تو لوگوں نے کہاں کہاں انتظار کیے، کتنی صدیاں کاٹیں، کس کس در کی غلامی کی۔ میں کہا کرتا ہوں میرے مقدر آپ کے مقدر۔ آنکھ کھلی، ہمارے والد مسجد سے مولوی صاحب کو بلا لائے اور انہوں نے کان میں آ کے کہا، مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آیا، شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ میرے والد گرامی جھوم کے پڑا کرتے تھے کہ محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو موقر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا، مقدر ہو تو ایسا ہو۔